असत्य पर सत्य की जीत का पर्व दशहरा गले मिलकर मनाया गया और बड़ों से आशीर्वाद लेकर मनाया गया। साथ साथ एक दूसरे को बधाई दी गई। मध्य प्रदेश के जिला देवास खातेगांव में नगर परिषद द्वारा डाक बंगले परिसर में रंगारंग आतिशबाजी के साथ 51 फीट का दहन किया गया। साथ साथ लगातार कई दिनों से बारिश हो रही है, जिसके चलते मैदान में कीचड़ भी नजर आई। आपको बता दें कि इस खास कार्यक्रम का आयोजन सभी सम्मानित बंधुओं द्वारा किया गया था। कार्यक्रम में परिषद द्वारा सभी समाज के प्रमुख लोगों का सम्मान भी किया गया। पंचायत अध्यक्ष नीलेश जोशी ने सबका स्वागत करते हुए भाषण देते हुए नागरिकों को दशहरा पर्व की बधाई दी। इसके साथ साथ लगातार 5 वर्षों में पार्षद और परिषद के सहयोग करने के लिए जनता का, मीडिया का और सभी का आभार प्रकट किया। इस दौरान विधायक आशीष शर्मा, पूर्व विधायक कैलाश कुंडल ने पर्व की बधाई दी। इस मैदान में इस वक्त 10,000 लोग मौजूद थे, जो कि इस कार्यक्रम का आनंद लेते हुए नजर आए। महिला, पुरुष, बच्चे सभी यहां मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन ओपी शर्मा द्वारा किया गया। साथ साथ आभार नगर पंचायत परिषद उपाध्यक्ष दिनेश रावड़िया ने किया। साथ साथ मनमोहक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी गई। जिस तरह से रावण दहन को लेकर यहां पर कार्यक्रम हुआ, लोगों में उत्साह नजर आया। हुआ था आज उस बाढ़ में रोड का जाल बिछा हुआ है, वहां पर कभी नर्मदा जी का पानी नहीं गया था। हमारे परिषद के कार्यकाल में वहां नर्मदा जी का पानी गया है। नर्मदा जी का पानी हमारे द्वारा 15 ही वार्डों में पहुंचाने का कार्य किया गया है। वार्डों में नालियां, सड़क की व्यवस्था प्रत्येक वार्ड में की गई है, चाहे वह मेन रोड हो, चाहे वह चूना भट्टी का रोड हो, चाहे कोयला मोहल्ला का कदम जी लोधवार का रोड हो, जिसका की कार्य जारी है। और विगत 1 महीने के अंदर अंदर यह रोड जो है चूना भट्टी तक जाकर के पूर्ण हो जाएगा। हम देवड़िया बाईपास का भी प्रस्ताव हमारे द्वारा इस मीटिंग में कर चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र की जनता भी यहाँ मौजूद है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि बहुत जल्द देवड़िया बाईपास की परिषद के द्वारा जो है क्षेत्र की जनता को दी जाए। बंधुओं, हमारे द्वारा बगैर किसी भेदभाव के प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 15 ही वार्डों में जिस व्यक्ति ने भी आवेदन करा था, बिना किसी भेदभाव को उसे भोपाल भेज करके उन नागरिकों को कोई असुविधा नहीं होने दी। नगर परिषद की ओर से, मेरे समस्त पार्षद साथियों की ओर से, मैं दशहरा उत्सव की खातेगांव नगर के समस्त नागरिकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देना चाहता हूँ। भाई साहब, आज विजयदशमी पर्व नगर खातेगांव में नगर पंचायत के द्वारा भव्य तौर पर मनाया गया है, जहां समाज के प्रमुखों का सम्मान भी किया गया। निश्चित ही ये भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है। आज त्रेता में भगवान राम ने अत्याचार और अन्याय के प्रतीक रावण का वध करके इस उत्सव की शुरुआत उस दिन हुई थी। निश्चित ही भारत राम का देश है और यहाँ पर प्रतिवर्ष रावण दहन के कार्यक्रम छोटे छोटे गांव तक में आयोजित किए जाते हैं। पिछले कुछ वर्षों से खातेगांव नगर पंचायत परिषद इस आयोजन को बड़े भव्य पैमाने पर करती है, जिसमें समाज प्रमुखों का सम्मान भी किया जाता है। वास्तव में जिस तरह राम ने छोटे छोटे वानरों को लेकर, छोटे छोटे कबीले के सरदारों को लेकर, वो अकेले भी रावण का वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सबको साथ में लिया। इसी तरह समाज की व्यवस्थाएं और राष्ट्र की व्यवस्थाएं तभी चल सकती है जब सब लोगों का साथ हो, सबका साथ सबका विकास। इसलिए आज का ये आयोजन इसलिए अविस्मरणीय है कि हजारों लोगों की उपस्थिति में आज यहाँ पर रावण दहन का कार्यक्रम नगर पंचायत परिषद ने आयोजित किया। मैं सभी क्षेत्रवासियों को विजयादशमी पर्व की शुभकामनाएँ देता हूँ और आज के अवसर पर सभी को ये संकल्प भी दिलाता हूँ कि उस समय अत्याचार और अन्याय का प्रतीक रावण था, लेकिन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो अपील की है कि हम सब लोग सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग अपने जीवन में बंद करें, ताकि प्लास्टिक रूपी जो कभी ना नष्ट होने वाला पदार्थ है, उससे पर्यावरण की सुरक्षा हो सके और भारत एक अच्छा राष्ट्र बन सके। आज भाजपा के नगर परिषद के कार्यक्रम में मंच पर तमाम कांग्रेसी नेता दिखे गए, क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, ये उत्सव हम सबका है और कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। रावण दहन कार्यक्रम नगर पंचायत परिषद आयोजित करती है और इसलिए हम तो सभी को पहले से भी आमंत्रित करते आए हैं। आज सब लोग पधारे हैं तो ये अच्छा संकेत है। इन कार्यक्रमों में राजनीति का कोई स्थान नहीं है, इसलिए विजयादशमी का पर्व हम सब ने मिलकर साथ में बनाया। इसके लिए भी मैं परिषद को और समस्त अतिथियों को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। संदेश देना चाहूँगा कि ये पर्व जो हम जश्न के रूप में मनाते हैं, इस जश्न को हमने अपने जीवन में उतारना चाहिए और आज के दौर में
सबसे अधिक आवश्यक है कि हम हर इंसान अपने अंदर के रावण को जिंदा करें और राम को जिंदा करें और रावण को मारे। तो जो अव्यवस्थाएं हमें दिख रही हैं, मासूम बच्चों के साथ घटनाएं घट रही हैं, बुजुर्गों के साथ जो घटनाएं कर रही हैं, पूरे देश में प्रदेश में जो अव्यवस्थाएं फैल रही हैं, इनको सुधारने के लिए हमें राम के चरित्र को अपनाना पड़ेगा और राम के चरित्र को, रावण के चरित्र को मारना पड़ेगा। और वो चिन्हित जाने लोग हैं, हमें सिर्फ उन्हें पहचानना है और देखना है कि वो रावण कौन है जो देश को बर्बाद करने के तुले हुए हैं।